इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप अपने टिकट को कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसका फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह का फॉर्म मिलेगा, काउंटर से आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, अगर आप टिकट को कैंसिल करा रहे हैं तो आपको यहाँ पे रद्दीकरण का मांग पत्र लिखा होगा, यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है गाड़ी संख्या और नाम। आप चाहे तो गाड़ी की संख्या नंबर लिख दे या फिर उसका नाम लिख दे, ज़रूरी नहीं है, दोनों में से एक चीज़ भी लिखेंगे तब भी फॉर्म आपका ठीक माना जाएगा। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रेन संख्या लिख देती हूँ। मान लीजिए ये है ट्रेन नंबर। इसके बाद देखिए यात्रा की तारीख, इसका मतलब है जिस तारीख को आप ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पे वही डेट लिखनी है जिस तारीख को आपने टिकट करवाई होगी। तो मान लेते हैं इसके बाद आपको श्रेणी लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए आपको लिखना है कि आपकी जो सीट है वो किस कैटेगरी में आती है। तो हम मान लेते हैं कि एस एल की है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीटों की संख्या, कि आप जो टिकट कैंसिल करवा रहे हो कितने सीटों की आपने फॉर्म भरा था। तो हम मान लेते हैं कि वो दो है। अब देखिए उसके बाद स्टेशन से स्टेशन तक, मतलब आपने जो टिकट का फॉर्म भरा था वो आप किस स्टेशन से ट्रेवल स्टार्ट करते हो, कहाँ तक पहुँचना चाहते थे, किस लास्ट स्टेशन तक। तो देखिए हम लिख देते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमने कि हम जहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट करेंगे यात्रा वो है नई दिल्ली। तो यहाँ पे लिख देंगे नई दिल्ली से लेके गोरखपुर। इसके बाद देखिए क्या लिखना, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा, जो भी काम कर रहा हो चलता हो। ठीक है, हम इसको देखिए, जैसे कि दो सीट लिखा है तो हमें सिर्फ दो जनों के ही यहाँ पे नाम लिखने पड़ेंगे। तो हम लिख लेते हैं आकाश, मेल है, उम्र 30 साल, अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर उन्हीं के नाम आएंगे जिन जिनके आपने टिकट करवाई थी, उनकी पूरी डिटेल आएगी। और उसके बाद देखिए अगर आपके फॉर्म में किसी बच्चे का नाम है टिकट में तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब उसके बाद आवेदक का नाम आएगा कि ये जो फॉर्म है वो कौन फिल कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा एड्रेस है इसके बाद देखिए आपको क्या फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। अब जिस तारीख को आप ये फॉर्म कैंसिलेशन का फॉर्म जो भर रहे हो वो डेट लिखनी पड़ेगी। मान लीजिए ये फॉर्म कैंसिल करने का मैं भर रही हूँ और आपको यहाँ पे टाइम भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये फॉर्म का टाइमिंग है मेरा, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, सिर्फ सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरह से फॉर्म पूरा हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।